हेलो एंड व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली आरवीपी, जिसे टेम्पररी रेजिडेंट परमिट कहते हैं रशिया का, उसके बारे में बना रहा हूँ। काफ़ी लोग मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं टीआरपी का अप्लाई करना है, कैसे करे, क्या करे, क्या होने वाला है। तो एक्चुअली कैसे करे क्या करे वो तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ। तो उस पर एक्चुअली एक नया लॉ आ रहा है यहाँ पे, रशियन स्टेट डूमा में एक नया लॉ अमेंड करके फाइल किया गया है। रशियन स्टेट डूमा एक यहाँ पे एक्चुअली लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट जो है यहाँ पे, उसका एक चैम्बर है जहाँ पे लॉज और बिल्स वगैरह पास किए जाते हैं। तो उसमें एक अमेंडमेंट के लिए एक बिल डाला गया था लास्ट ईयर 2023 जो गया है उसके नवंबर में, जिसके हिसाब से टीआरपी या आरवीपी कह लें हम जो है, इसमें जो मैं आरवीपी की जो बात कर रहा हूँ मैं, या आरवीपी जो लोग शादी यहाँ पे करते हैं रशियन सिटीजन के साथ में, और जो आरवीपी टेम्पररी रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर रहे हैं जो यहाँ रहना चाहते हैं लॉन्ग स्टे के लिए, 3 साल की मिलती है आरवीपी, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर आप शादी करके अगर यहाँ पे आरवीपी के लिए अप्लाई करोगे, अभी जब ये लॉ पास हो जाएगा जो ड्यू है 2024 के एंड तक शायद इम्प्लीमेंट कर दे रशिया में, अभी इसका एक वर्जन सेंट पीटर्सबर्ग में लेनिनग्राद रीजन में ऑलरेडी एक्टिव है, तो उसी को ये सारे रशिया में अप्लाई करने जा रहे हैं। उसके अनुसार होगा ये कि अगर आप आरवीपी अप्लाई करते हो, आपने शादी करी है, तो आपकी शादी का जो रजिस्ट्रेशन डेट रहेगा उस डेट से 2 साल का आपको वेटिंग पीरियड मिलेगा। तो उस 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा आरवीपी अप्लाई करने के लिए। अब रीज़न ये है क्यों वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रशिया में जो देखा गया है कि यहाँ पे फिक्शियस मैरिज, शैम मैरिज या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज काफ़ी देखने में आई है। यहाँ पे हर 5 में से 1 यहाँ पे मैरिज जो है वो एक फेक मैरिज कह सकते हैं उसको, शैम मैरिज और लीगल लैंग्वेज में शैम मैरिज कहते हैं, या जनरल मैरिज में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कहते हैं, मतलब जो सिटीजनशिप लेने के लिए यहाँ पे शादी करी है उस कैटेगरी में आती है। तो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए यहाँ पे थोड़ा लॉ में अमेंडमेंट किया गया यहाँ के जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें, तो उसके अनुसार आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा। और उसको और अमेंडमेंट करते हुए उन्होंने थोड़ा उसको टफ कर रहा है कि जैसे शादी यहाँ पे हो रही है वो 2 साल तो वेट करेंगे, प्लस उस मैरिज का इन्होंने वेरिफिकेशन करेंगे। तो उस वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने एक कंपनी हायर करी थी, जिसका इन्होंने एक सर्वे करके एक जनरल एक अपना परसेप्शन बना के एक आइडियालॉजी बना के इनको लीगल डिपार्टमेंट को देने के लिए कहा गया था। तो वो एक प्राइवेट कंपनी जिनको इन्होंने प्रपोजल दिया कि उन्हें एक लॉ का फ्रेमवर्क कैसा रहना चाहिए बनाए, तो एक कॉन्फिडेंस ग्रुप करके कंपनी थी प्राइवेट, उसको उन्होंने दिया था। उन्होंने अपना एक सबमिशन दिया है यहाँ पर लीगल डिपार्टमेंट को रशिया में, जिसके अनुसार अगर आप शादी होती है तो 2 साल का वेटिंग पीरियड रहना चाहिए, प्लस उन्होंने एक उसमें एक और प्रपोजल में ये डाला है जिसे इन लोग यूज़ करेंगे कि शादी जहाँ पे अगर आपकी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप मॉस्को रीजन या मॉस्को ब्लास्ट में आपकी शादी होती है, तो आपका हस्बैंड या वाइफ अगर इस रीजन में आप रजिस्टर्ड हैं, आपको रजिस्टर किया आप एज ए गेस्ट, तो आप यहाँ पर शादी करोगे, तो आप बाद में शादी के बाद में आपको इसी रीजन में रहना है और यहीं पर आप काम वाम कर सकते हैं, मतलब कहीं और नहीं आ सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मॉस्को ब्लास्ट में या मॉस्को में आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, आपकी वाइफ यहाँ पे, आपने शादी कर ली, आपकी वाइफ यहाँ पे रजिस्टर्ड है, और आप जाके सेंट पीटर्सबर्ग में या नोवोसिबिर्स्क या कहीं और जाके आप काम कर रहे हो, तो वो उसके अनुसार वो एक रिकमेंडेशन फिर एक इमिग्रेशन ऑफिस को, इमिग्रेशन कोर्ट्स को ये भेजेगा कि जो हस्बैंड या वाइफ जो भी है इन्होंने इस रीजन में शादी करी है लेकिन ये काम दूसरे रीजन में कर रहे हैं, साथ में रह नहीं रहे, तो इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए कि ये शादी फेक हो सकती है, तो ये रिकमेंडेशन एक दिया जाएगा इमिग्रेशन को। तो फिर ये एक तरह से आपकी शादी के ऊपर क्वेश्चनेबल हो जाएगा कि आप आपकी वाइफ यहाँ पे और आप वहाँ काम कर रहे हैं, तो आपके एक तरह से आपकी शादी डाउट में आ जाएगी, और उसमें इसमें जो इमिग्रेशन कोर्ट्स वगैरह इनको पावर दी जाएगी कि अगर ये आप उसको प्रूफ नहीं कर पाते हो जेन्युइन, वैसे तो आप वहाँ रह नहीं सकते हो, इलीगल रहेगा वहाँ पे रहना, अगर फिर भी आप अगर कर रहे हो तो उसके बाद ये आप कोर्ट को पावर दिया जाएगा कि आपकी शादी को ये कैंसिल कर सके, और आरवीपी अगर आपके अगर दी गई है तो कैंसिल की जाए, या अगर नहीं दी गई है तो आपको ना दी जाए। तो मेन इस एक्ट का जो लॉ जो आ रहा है इसका मेन पर्पस है कि एक शादी को अगर आइडेंटिफाई करके उसको कैंसिल करना, नल एंड वॉइड करना, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को ख़त्म करने का एक इसका इंटेंशन है। तो इसमें जो भी लोग अगर भी शादी कर रहे हैं तो उनको अब काफ़ी ध्यान रखना होगा कि अपनी शादी का जो भी है बैकग्राउंड या सरकमस्टांसेस एकदम क्लियर और ईजी टू अंडरस्टैंड ऐसा रखना पड़ेगा उनको एज पर लॉ, जब तक आरवीपी लगती नहीं है। और उसमें एक और रिकमेंडेशन ये भी है कि आरवीपी अगर आपकी लग जाती है 2 साल के बाद में, तो इन केस ऑफ डिवोर्स या टर्मिनेशन ऑफ मैरिज होता है कोई कारण से,
तो आपकी आरबीपी जिसको अभी एट प्रेजेंट इसमें कोई इसके ऊपर प्रॉपर ऐसा कोई लॉ नहीं है कि कैंसिल करी जाए आरबीपी, नहीं तो इस नए लॉ के हिसाब से आपकी आरबीपी कैंसिल करने के लिए इसके अंदर प्रोविजंस किए जा रहे हैं कि अगर आप डिवोर्स होता है या आपकी शादी टर्मिनेट होती है किसी कारण से तो आपकी आरबीपी भी कैंसिल की जाएगी, या फिर आप दूसरी मैरिज करते हो तो उसके बाद सेकंड फिर देखा जाएगा कि क्या प्रोसेस है उसका, आरबीपी फिर से आपको अप्लाई करनी होगी। तो वो इसके ऊपर अभी तो कुछ नया एलैबोरेशन नहीं किया है लॉ में, बट जो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो नया लॉ आएगा उसके हिसाब से अगर आप आरबीपी अप्लाई करते हो, शादी आपकी हुई है और आप सेम साथ में रहते हैं हस्बैंड एज ए हस्बैंड वाइफ रह रहे हो, आपका वेरिफिकेशन होगा मैरिज का, और आपके इस आरबीपी के लिए आपकी फोटोग्राफ्स या मैरिज सर्टिफिकेट इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा ये लॉ आने के बाद से। बाकी जो आपकी शादी का सर्कमस्टांस है, सिनेरियो जो है, आपका फैमिली बैकग्राउंड जो रहेगा, आपका किस तरह से आप रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, अड़ोस पड़ोस से जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे लोग, उसके अनुसार आपका आरबीपी आपको इशू करना नहीं करना ये लोग डिसाइड करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है अभी आने वाले समय में 2024 के एंड तक ही शायद पूरे रशिया में अप्लीकेबल हो जाएगा। सो उस कॉन्फिडेंस ग्रुप ने एक और प्रपोजल दिया है कि जैसे आपकी वाइफ अगर आपकी शादी होने के बाद में कहीं ट्रांसफर होता है उसका दूसरे रीजन में, दूसरे ओब्लास्ट में कहीं जाती है वो, तो आप उस ओब्लास्ट में आप नहीं जा सकते, आपकी जहाँ रजिस्ट्रेशन है, जहाँ आपको आरबीपी के लिए अप्लाई करना है, आपको वहीं रहना पड़ेगा, और आपकी वाइफ जा सकती है टेम्पररी अगर उसका ट्रांसफर है। इनकेस अगर परमानेंट उसका ट्रांसफर होता है जॉब का दूसरे ओब्लास्ट में, दूसरे स्टेट में, तब आपका ऊपर कंसिडर कर सकते हैं, बट वॉलेंटरीली आप कहीं और अपना अपना ट्रांसफर नहीं करवा सकते हैं। वॉलेंटरी या आर्बिट्ररी जो कहते हैं उस पर रोक रहेगी, क्योंकि आपकी जो शादी जिस ओब्लास्ट में हुई है आपको वहीं रह के काम करना होगा। ये इसका एक आउटलाइन होने वाला है जो अभी नया जो लॉ आ रहा है उसका, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। अभी कुछ लोग हैं जो मुझसे लिखते हैं कि भैया हमने शादी करी है, अभी हम यहाँ रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, वहाँ जाके काम करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा उसके ऊपर रोक लग जाएगी आगे से, आपको ध्यान रखना है। आपकी आरबीपी भी कैंसिल हो सकती है इनकेस अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सोचने वाली रहेगी। और काफ़ी सारे इसके ऊपर मैं और भी जो एलैबोरेशन आएगा लॉस का, अगर कुछ चेंजेज आते तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो आप अगर आरबीपी में इंटरेस्टेड हो, रशिया में आना चाहते हो इंटरेस्टेड हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और दूसरा मैं बात करता हूँ अभी आरबीपीओ की, जो स्टूडेंट्स वगैरह के लिए रहती है, जो यहाँ स्टडीज़ वगैरह के लिए आते हैं, यहाँ पे स्टडीज़ के ऊपर आरबीपी मिलती है वो रहते हैं फिर, तो उनको आरबीपीओ एक्चुअली अगर आपका स्टडीज़ यहाँ पे ग्रेजुएशन करने आ रहे हो, आप प्रोफेशनल डिग्री या कुछ मास्टर्स करने आ रहे हो, तो आपको यहाँ पे मिलेगी, और जब वो ख़त्म होती है तो आपको 6 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा जिसमें आप सिटीजनशिप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये सिटीजनशिप सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जो डिस्टिंक्शन से यहाँ पे एजुकेशन इन्होंने पास किया है और बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन अकेडमिक ईयर उनका रहा है यहाँ पे, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, बस उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा, बाकी लोगों को आरबीपी कैंसिल हो जाएगी, आपको वापस आना पड़ेगा जिस भी देश से आप आए हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो एजुकेशन आपका अच्छा रहेगा तो ही आपको आरबीपीओ मिलेगा यहाँ पे, या सिटीजनशिप के लिए फिर आप अप्लाई कर सकते हो 3 या 4 साल या 5 साल का जो भी आपका डिग्री कोर्स खत्म होता है उसके बाद। और जो लोग ये कहते हैं कि ना हमारी शादी है यहाँ पे, ना हम स्टूडेंट हैं यहाँ पे, तो हमको किस तरह से मिलेगी यहाँ पे आरबीपी, तो उसके लिए कोटा यहाँ पे सिस्टम है, कोटा सिस्टम में आप अप्लाई करो। आप कोटा में अप्लाई करोगे यहाँ पे, अगर कोटा आपको मिलता है, कोटा में आपको अप्रूवल मिलता है, तो फिर आप आरबीपी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें फिर आपको वही जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं, आपका रशियन लैंग्वेज पास करिए आपने, उसका टेस्ट सर्टिफिकेट रहेगा एक पास होने का सर्टिफिकेट, और आपका मेडिकल टेस्ट के सर्टिफिकेट्स रहेंगे, आपके बायोमेट्रिक्स रहेंगे, और आपका नारकोटिक टेस्ट वगैरह जो होगा वो सब आपको सबमिट करना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी यहाँ पे, बाकी ये सब आरबीपी में जो भी लगता है वो सब आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये जो आपको जो कोटा में आरबीपी है वो बहुत ही लिमिटेड सीट्स है यहाँ पे, इस साल का जो मैंने देखा या मेरे सामने जो अभी जाया उसमें 30 या 40 हज़ार का ही कोटा इस साल का 2024 का, जिसमें मॉस्को अगर देखा तो सिर्फ 2000 सीट्स का है, और उसमें उन लोग ने क्लियर मेंशन कर रखा है कि ये कोटा सिर्फ उन्हीं लोग के लिए जो CIS कंट्रीज़ के हैं, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो कि पहले USSR या रशिया का पार्ट था, कजाकिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान जो भी पहले रहे थे रशिया के पार्ट में, ताजिकिस्तान, उन लोग के लिए ये कोटा रखा गया है, जिसमें दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं है। और ये कोटा भी इस हिसाब से है कि जिस एरिया में, जिस कंट्री के जिस रीजन में कम पॉपुलेशन है, वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कोटा रखा गया है,
तो आप अगर उस कोटा में अप्लाई करते हो, आपके उस रीजन जिस रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे अगर एप्लीकेशंस नहीं है तो आपको कंसिडर किया जाएगा। और ये कोटा में एक्चुअली इन लोग जो टेक्निकली साउंड पीपल है, जो उनके काम के साउंड लोग हैं, उन लोग को मिल सकती है, उनको लिया जा सकता है। या तो फिर आप आईटी प्रोफेशनल हो काफ़ी, या कोई और प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, तो उसके हिसाब से आप अप्लाई करके देख सकते हैं कोटा। बट कोटा में चांसेस बहुत कम रहेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों ने वीडियो डाले कि हमको कोटा में मिल गया, अभी भी मैं डाउट करता हूँ कि इंडियंस को कोई कोटा में यहाँ पे नहीं मिली होगी आरवीपी। तो ये हो गया कोटा का। तो कुल मिला के टोटल आरवीपी के मैंने आपको जो बताना चाह रहा हूँ, मेन तो मेरा मोटिव है जो मैरिड लोग हैं उनके लिए ही है बताना कि अभी नए रूल्स के हिसाब से आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा अगर आपकी शादी अभी होती है इस लॉ के पहले, तो ठीक है आप तुरंत अप्लाई करके इसको क्लियर कर लें। अगर नहीं होती है, लॉ पास हो जाता है, उसके बाद में आपको 2 साल वेट करना ही होगा। उसके 2 साल के लिए कैसे आप यहाँ रहोगे, क्या रहोगे, वो तो फिलहाल अभी क्लियर नहीं है। वीज़ा आपको गेस्ट वीज़ा मिल सकता है जो अभी ऑलरेडी 1 साल का मिलता है, तो 1 साल का आपको गेस्ट वीज़ा लेके यहाँ रह सकते हो उसके ऊपर, लेकिन फिर आप काम नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए कुछ और नई प्रोविजन्स कुछ आएगा अगर रशिया का, तो अभी फिलहाल तो नहीं है। तो ऐसा कुछ रहेगा तो मैं आप लोग को ज़रूर शेयर करूँगा। तो होप है आप लोग को ये समझ में आया वीडियो। अगर कुछ और डिटेल्स आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं रिप्लाई करूँगा। छोटी मोटी क्वेरीज रहेगी तो रिप्लाई करूँगा। और कुछ अगर ज़्यादा जानना चाहते हो तो अगेन मैं कहूँगा कि अलग से बात करेंगे उसके ऊपर में, कहीं और कोई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर, इंस्टाग्राम में या कहीं टेलीग्राम में बात कर सकते हैं उसके ऊपर। सो दैट इज इट। होप है आपको TRP का यहाँ कंसेप्ट समझ में आ रहा है, रशिया का RVP जिसे टेम्प्रेरी रेसिडेंट परमिट कहते हैं। और अगर आपका सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना तो फिलहाल उसका 5 साल का रखा है उन्होंने, 5 साल आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा। और अगर आपका कोई शादी करके आप यहाँ पे रह रहे हो, आपका अगर कॉमन एक बच्चा होता है आपकी वाइफ के साथ में आपका, तो आप 2 साल के अंदर उसको अप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। तो ये कुछ चेंजेस हैं यहाँ पे अभी, और कुछ पुराने इसमें से चले आ रहे हैं और कुछ नए एडवांस इसमें कर रहे हैं लोग। तो जो एडवांस कर रहे हैं वो थोड़ा एक फॉरनर्स को लेके जो मैरिज हो रही है उसको एक अवॉइड करने के लिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे लॉज में चेंजेस। और जिसके हिसाब से आप अगर सुटेबल रहोगे, सब चीज़ आपकी करेक्ट रहती है, आपकी शादी का स्टेटस करेक्ट रहता है, आपके इंटेंशन करेक्ट रहते हैं, तो उन लोग आपको फिर प्रोवाइड करेंगे RVP 2 साल के बाद में। और जिसके लिए आपको अगेन टेस्ट वगैरह देनी पड़ेगी, लैंग्वेज पास करना पड़ेगा रशियन, और मेडिकल टेस्ट और बाकी चीज़ें आपको जो देनी है वो देनी पड़ेगी। तो होप आप समझ गए होंगे क्या होने वाला है अभी आने वाले समय में रशिया में RVP कर लेके। इतना इजी नहीं है, इजी उन लोगों के लिए जो यहाँ पे कोटा के बाहर में, जिन लोगों के लिए इजी है जो अगर यूक्रेन के आप सिटीजन हो और यहाँ पे आप असालम क्लेम करते हो तो आपके लिए इजी है यहाँ पे RVP। अगर आप यहाँ पे शादी करते हो तो अगेन वही 2 साल आपको वेट करना है, कोटे का इंतज़ार नहीं करना है आपको, कोटे में नहीं अप्लाई करना है। या फिर आप मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करते हो रशिया में तो आपको कोटे के बाहर RVP आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है आपको सर्व करना है, उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे RVP और सिटीजनशिप दी जाएगी। और दूसरे अगर आप USSR के पुराने कई रहवासी रह चुके हो तो आप यहाँ रशिया आके फिर अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी कोटे के अलावा आपको मिल जाएगी RVP। तो ये कुछ है जिनके हिसाब से RVP अलग अलग कोटे के बाहर मिल सकती है। और जो कोटे में है वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो पुराने रशिया के सिटीजन्स थे, पुराने USSR के पार्ट के थे, उन लोग को इजी कर दिया उन्होंने, उनको कोटे में अप्लाई करना है। और कोटा भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा कोटा है, जिसमें हम इंडियंस हो गए या कहीं और कंट्रीज़ के हो गए उनके थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगर आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो, IT प्रोफेशनल या डॉक्टर या कुछ हो, तो आपको फिर उसमें अलग इसमें कंसिडर कर सकते हैं वो। सो दैट इज़ इट। होप आपको ये वीडियो आपके काम का हो, कुछ समझ में आए। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करिए, उसमें आपके कमेंट्स में क्लियर करना चाहूँगा जो भी आपके डाउट्स हैं। सो सब्सक्राइब करिए चैनल को जिन्होंने नहीं किया है, और वीडियोस देखते हैं मेरे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल, एंड दैट इज इट गाइस, टेक केयर, बाय।